Hello students, I am Dr. Umesh Batsod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. इसके पहले हमने आठ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हासिल की. आज हम उसी में से एडवर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. एडवर्ब्स क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और किन किन जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं. एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू आवर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब. फॉर एग्जांपल, वर्क रैपिडली और स्लीपिंग वेरी साउंडली. जैसे वर्क इस वर्ब के साथ रैपिडली ये एडवर्ब आया, स्लीपिंग इस वर्ब के साथ में साउंडली ये एडवर्ब आया. तो एडवर्ब वर्ब में एक्स्ट्रा की, ज्यादा की इंफॉर्मेशन डालने वाले शब्द होते हैं, इसलिए एड वर्ब उनको कहा जाता है. एडवर्ब जैसे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वैसे वो वर्ब को लिमिट भी करते हैं. एडवर्ब लिमिट्स द वर्ब्स एंड मेक देम मोर स्पेसिफिक. उनको ज्यादा स्पेसिफिक करने का काम एडवर्ब्स करते हैं. एडवर्ब के यूज के बाद में वर्ब लिमिटेड हो जाते हैं. जैसे दे वॉक्ड स्लोली, वे धीरे धीरे चलते हैं. यहां वॉक्ड के साथ में स्लोली यह एडवर्ब लग गया तो वॉकिंग के और भी तरीके हो सकते हैं, यह हमें सोचना बंद कर देना पड़ता है. वॉकिंग के साथ क्विकली, लेसीली, हैप्पीली, स्टिल्डीली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स लगाए जा सकते हैं, पर हमने स्लोली यह शब्द एडवर्ब के साथ लगाने के बाद में वॉक्ड यह वर्ब लिमिट हो गया. तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते तो वर्ब को लिमिट भी करते हैं और एक स्पेसिफिक मीनिंग भी उसे देने की कोशिश करते हैं. इसलिए एडवर्ब का जानना, समझना और यूज करना, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है. एडवर्ब्स के फंक्शंस के अनुसार और जिस प्रकार की वो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके आधार पर एडवर्ब्स के कुछ प्रकार किए जाते हैं. जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप. इस प्रकार से हम एडवर्ब के अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं. अब ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और कौन कौन से शब्दों का इंक्लूजन इसमें होता है, कौन से शब्द आने पर हमें ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है कि मैनर है कि फ्रीक्वेंसी है समझ में आता है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवर्ब्स क्या होते हैं ये समझ में आता है, पर उसके काइंड्स कैसे पहचानना और कौन से आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि ये कौन से प्रकार का एडवर्ब्स है ये समझ में नहीं आता. इसलिए हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब्स के काइंड्स को, टाइप्स को कैसे पहचानते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. Adverbs of time क्या होते हैं? Adverbs of time tell us when something happened. जब भी कुछ हो जाता है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए adverbs of time आते हैं. इसमें now, then, later, soon, afterwards, yesterday ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है. ऐसे शब्द दिखे तो आप समझ लेना कि ये adverbs तो है, पर ये शब्द दिखने के बाद में ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम इसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आई विल कॉल यू लेटर, शी अराइव्ड यस्टरडे,
She had erased and went out afterwards. तो latter, yesterday, afterwards ये शब्द अपने आप इंडिकेट करते हैं कि इन तीनों वाक्यों में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. दे टेल अस वेयर समथिंग हैपेंड, कहां पर क्या हुआ है इसके बारे में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जानकारी देते हैं. जहां पर जगह का उल्लेख होगा, स्थान के बारे में हम कुछ बात करेंगे, तो समझ लेना कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. इसमें देयर, हियर, समवेयर, एनीवेयर, देयर अबाउट्स, अब्रॉड, आउटडोर्स, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, हीदर एंड दीदर, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है. ओल्ड इंग्लिश में हीदर एंड दीदर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था. अभी हियर एंड देयर मॉडर्न इंग्लिश में आ गए हैं, तो हीदर और दीदर का यूज कम हो गया है. एग्जाम्पल देख लीजिए. दे कुड नॉट फाइंड हर एनीवेयर. हर फैमिली लिव्ड अब्रॉड. वी हर्ड अ नॉइज ओवरहेड. तो इन वाक्यों में एनीवेयर, अब्रॉड, ओवरहेड ये अलग अलग एडवर्ब्स प्रयुक्त हुए हैं और ये अलग अलग प्रकार के स्थानों को दर्शाते हैं, प्लेसेस को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं. घटनाएं कब हुई, कहां पर हुई, इनके साथ साथ घटनाएं कैसे हुई ये बताने के लिए भी शब्द आते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऐसा कहते हैं. इसमें बहुत सारे शब्दों की रेंज इंक्लूड होती है. हेवन वर्ड्स, साइड वाइज, क्लॉक वाइज, मनी वाइज, इन प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग इसमें होता है. पर ये रेंज इसलिए वाइड है क्योंकि यहां पर एल वाई, डबल एल वाई, आई एल वाई सफिक्सेस लगकर भी बहुत सारे एडवर्ब्स बनते हैं. बैडली, फियरलेसली, हॉटली, जोकिंगली, मीनली, वीकली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स एल वाई लगकर बनते हैं. यहां पर आई एल वाई सफिक्स लगकर भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे एंग्रीली, बेसीली, हैप्पीली, मेरीली, कैनीली, इजीली, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स को हम आई एल वाई लगाकर उन्हें एडवर्ब बनाते हैं. तो एडवर्ब की ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है और ये सारे एडवर्ब्स एल वाई, डबल एल वाई या आई एल वाई लगकर बनते हैं, इसलिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स का प्लेस उतना ही इंपॉर्टेंट है. अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के आधार पर एडवर्ब्स के प्रकार बदलते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में हम डिग्री, काम की डिग्री, एक्सटेंट, अमाउंट, लेवल और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपेंस, जो भी कुछ हुआ है उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार की थी, इस विशेष चीज के बारे में हम यहां पर बात करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है. इसमें यूजली, इमेंसली, मॉडरेटली, एडिक्वेटली, ग्रेटली, स्ट्रांगली, ट्रेमेंडसली, profoundly, totally, entirely, perfectly, partially, practically, virtually, almost, ऐसे अलग अलग शब्दों का इसमें प्रयोग होता है. For example, they enjoyed the game hugely, the office is adequately equipped, he managed the tour perfectly, they were virtually penniless. इन सारे अलग अलग सेंटेंसेस में यूजली, एडिक्वेटली, परफेक्टली, वर्चुअली, एल वाई, डबल एल वाई वाले शब्द देखकर तो हम आसानी से पहचान जाते हैं, पर ऐसे शब्द जो अमाउंट या लेवल या इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपेंस को दर्शाते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं. ये भी हमें ध्यान में रखना होता है. Adverbs of frequency also is important type of adverb. Adverbs of frequency are used to tell us how often something happens. अगर कोई घटना हुई है तो कितनी बार हुई है, कितनी दफा वो हुई है, इसके बारे में adverbs of frequency बताते हैं.
इसमें नेवर, रेयरली, सेल्डम, इनफ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, पीरियोडिकली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ऑलवेज, नॉर्मली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, इसमें नेवर शब्द का प्रयोग हुआ है। वी गो टू सिनेमा ओकेजनली, यहाँ पर ओकेजनली यह एडवर्ब आया है। तो इन अलग अलग शब्दों को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। इट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक प्रोबेबली, पॉसिबली, परहैप्स, मे बी, Hopefully, definitely, certainly, doubtless, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कंसीवली पास द एग्जाम दिस टाइम, होपफुली द न्यूज विल बी गुड, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग, ऐसे अलग अलग शब्दों में, वाक्यों में कंसीवली, होपफुली, डेफिनेटली, ये अलग अलग शब्द एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं। Adverbs of duration tell us how long something takes or lasts. कोई भी घटना होती है वो कितनी देर तक हुई, इस duration को, इस कालावधि को दर्शाने के लिए adverbs of duration आते हैं। इसमें briefly, temporarily, long, indefinitely, always, permanently, forever, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। For example, we stopped briefly for coffee. Have you known her long? His face was permanently disfigured. They have parted forever. In अलग अलग वाक्यों में briefly, long, permanently, forever ऐसे अलग अलग adverbs प्रयुक्त हुए हैं। ये उस समय को, उस कालावधि को जिस दरमियान ये घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए इन्हें हम adverbs of duration कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है एडवर्ब का, जिसे हम एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस कहते हैं। इट एड्स एम्फेसिस टू एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब। वर्ब के द्वारा बताई गई जो क्रिया होती है उसे जोर देकर कहने के लिए इस एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एब्सोल्युटली, सर्टेनली, पॉजिटिवली, क्वाइट, रियली, सिंपली, जस्ट, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे he positively adores her, I simply must go there, she really wants to leave. इन अलग अलग वाक्यों में positively, simply, really ऐसे अलग अलग adverbs of emphasis का प्रयोग हुआ है। Adverbs की एक आखिरी important type है interrogative adverbs। ये बहुत आसान है पहचानना, इनका काम ही है सवाल पूछना। These adverbs are used to ask questions. पर इसमें where, when, how and why इन चार अलग अलग interrogative pronouns का प्रयोग होता है। For example, where are you going? When will you go back? Why have they asked you to go? How did you do it? ऐसे अलग अलग प्रकार के questions हम interrogative adverbs के माध्यम से बना सकते हैं। तो आज हमने एडवर्ब्स के अलग अलग प्रकार जानने की कोशिश की। ये सारे प्रकार हमें अलग अलग प्रकार की पोजीशंस को सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो अलग अलग प्रकार हमने देखे उसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का समावेश इसमें होता है। आप अलग अलग सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तो उन सेंटेंसेस में टाइम, मैनर, फ्रिक्वेंसी वाले या ड्यूरेशन वाले, प्लेस को, डिग्री को, प्रोबेबिलिटी को या इंट्रोगेटिव टाइप को बताने वाले कौन कौन से एडवर्ब्स है इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग इट केयरफुली। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। इट इज अवेलेबल ऑन डॉक्टर उमेश बंसोड, ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड।